देख रहे हैं आरबीएन न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, और क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे को लेकर आज आप चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले हम अपने मीडिया भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक महत्वपूर्ण जो मकसद है मेरा, सिर्फ यही है कि हमारी कॉलोनी बिल्कुल पूरी तरीके से यतीम हो चुकी है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, चाहे वो नाली की सफाई को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, यानी जो भी चीज़ की तरफ हम डेवलपमेंट के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए हम वो करें तो बिल्कुल मतलब पार्षद जी अपना अलग मस्त हैं, विधायक जी अपना अलग मस्त हैं, शासन प्रशासन अपने आप में जी रहा है, मतलब कोई पुरसान हाल नहीं किसी का। इसी मकसद से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है। सर, इससे पहले यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे, उनके कामों से भी कहीं ना कहीं आप सभी लोग नाराज थे, और आप आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके काम में भी दिक्कत आप लोग आ रही है? देखिए, इसमें चाहे मैं हूँ, हो सकता कल मैं भी हो सकता हूँ इस पद पर, जो भी होगा, जो काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है उसकी मुखालफत होगी। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें राहुल गांधी जी की मुखालफत हुई है, इसमें देश के प्रधानमंत्री जी की भी मुखालफत हुई है, यानी जो लोगों ने काम नहीं किया है उनकी भी मुखालफत हो रही है। लेकिन फिर उसी तरह की विचारधारा के लोग हैं, चलिए मैंने कांग्रेस का एक विचारधारा के हम साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग जो मैक रखे हुए हैं, आप लोग जाके कॉलोनी में खुद देखिए, कई मरतब हमने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये रोड जो बन रहे आपने देखा होगा, ये आपका वो हमारा नतीजा है। दिन में हम लोग डेली कोने कोई धरना प्रदर्शन करते थे, यहाँ पे कूड़ाघर बनाया जा रहा था पार्षद, पूर्व पार्षद के द्वारा, आपकी उसमें कितनी मेहनत रही है, हम लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया, आज उसकी मेहनत आपके सामने है, कूड़ाघर वहाँ से हटाया गया। जो भी होगा, जो भी जनता का प्रतिनिधि है उसकी वो काम नहीं करेगा तो आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे मजबूत विपक्ष बनाया है, 7000 वोट दिए हैं, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने हमें चाहा है, तो इसलिए हम उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि निगम पार्षद और विधायक दोनों से नाकाम है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि दोनों ही काम नहीं कर रहे ठीक से? देखिए, इसलिए हमने नाम लिया, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर बाढ़ आई, ना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, और न ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, ना उनकी तरफ से कोई मदद मिली, और न ही केंद्र सरकार की तरफ से मिली, जबकि दोनों यहाँ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद हैं वो हमारे हेमा बोहरा जी हैं, और जो यहाँ के जो MLA साहब हैं रामी विधुली जी हैं, और जो यहाँ के सांसद साहब हैं रमेश कुमार जी हैं, रमेश विधुली जी हैं, तो इन तीनों कहीं ना कहीं ये तीनों लोग इन लोग जिम्मेदार होते हैं। अभी आप चले जाइए विश्वकर्मा कॉलोनी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करिए, आप विश्वकर्मा कॉलोनी घर घर चले जाइए, जो 10000 रुपये का वादा किया गया था वो कहीं पेपर में रह गया कि और कहीं रह गया है, वो उन तक पहुँचा ही नहीं है, ज़मीनी खबर आपको पता चल जाएगी वहाँ से। सर, मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आपके एरिया के अंदर, आपके वार्ड के अंदर नजर आ रही है? देखिए, मुख्य रूप से पहली समस्या ये है कि एक तो नाली पानी पूरी तरीके से डबडब भरा हुआ है, और वहाँ पर अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो कभी कभी स्कूल का ड्रेस पहने वहाँ पे गिर जाता है, फिर वो स्कूल नहीं जा पाता है, और इसी तरह बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस पानी से पीड़ित हैं, कि वहाँ से जब निकलना होता है तो बहुत सारी महिलाएं बूढ़ी भी होती हैं और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, उनको ये दिक्कतें हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर कोई इस तरीके का नहीं है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ डेवलपमेंट करते हैं कि हमने हमारा ये चर्चित देश में नहीं विदेश में चर्चा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ पर 90% लोगों का जो काम है वो यहाँ से यहाँ के बिल्डर उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए पिछले कई महीनों से यहाँ पर काम, चाहे शासन के जरिए से हो, प्रशासन के जरिए से हो, हमें तो ये पता चलता है कि MCD के कुछ लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम काम नहीं करने देंगे, हमें इतने पैसे मिलने चाहिए तब हम काम करने देंगे, और फिर हमें पता चलता है कि पार्षद साहब कहते हैं कि हमें इतने पैसे मिलने चाहिए तब हम काम होने देंगे, फिर हमें दूसरी तरफ से पता चलता है, यानी कहीं ना कहीं कभी पार्षद, कभी MLA, कभी शासन, कभी प्रशासन के, उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। आखिर वो किसके पास जाए? हमारे पास लोग आते हैं कि बिलाल भाई हमारा 50 गज का मकान है, 25 गज का मकान है, 30 गज का मकान है, लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं, हमारी छत नहीं डली हुई है,
कहीं हम छत डालना चाहते हैं, एमसीबी के लोग अलग आ जाते हैं, वहाँ पर पुलिस के लोग अपना अलग आ जाते हैं, विजिलेंस के लोग अलग आ जाते हैं, पार्षद के लोग अलग आ जाते हैं, ऑफिसी तरीके से एमएलए के लोग अलग आ जाते हैं, इसी तरीके से बिस्कुट की फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पर किस तरीके से कभी पार्षद के लोगों को भेज दिया जाता है एमसीबी को दस्ता लेकर, और उनको लव लेटर पकड़ा दिया जाता है, अपने ऑफिस में बुलाया जाता है, उनसे पैसे की उगाही होती है। यानी इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ के नाम पर यहाँ पे पार्षद साहब पूरी तरीके से उगाही कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से। सर, जैसे कि अभी पार्षद का आपने नाम लिया कि पार्षद के लोग भी आ जाते हैं पैसे मांगने, लेकिन अभी जब यहाँ पे काम बंद हुआ था तो कहीं ना कहीं पार्षद ने इसके ऊपर न्यायालय का नाम लिया कि न्यायालय के आदेश पे बंद हुआ है, ऐसा पुलिस के द्वारा बताया जा रहा था, तो आप इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, अगर न्यायालय को हम देखते हैं उसको हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये न्यायालय का फैसला पिछले 10-15 साल से है, ऐसा नहीं अभी आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव बनाया गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार के जो पार्षद हैं उनको दबाव बनाया गया है। भाई कोई भी काम है, हिंदुस्तान ही हमारा, यहाँ पे बहुत ही समझौते से, प्यार से, सिस्टम से काम चलता है, उसी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन अब आकर अपनी दादागिरी आप दिखाएंगे, नहीं हम जो हैं हम ही सब कुछ हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास भी अपनी पावर है, उसके पास भी अपना सिस्टम है, अगर आप उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे वो भी अपनी आँख को दिखाएगा, अपना सीना चौड़ा करेगा, और उसके सामने पार्षद जी को मुक्की खानी पड़ी, लोग पूरी तरीके से पीछे हट गए, फिर कहीं ना कहीं उनको समझौता करना पड़ा। देखिए, आप खुद हमारे पास कई सारे लोग आए हैं, हमारे पास प्रूफ भी हैं, और बाकायदा ये चिन्हित भी किया जा रहा है कि कौन किसके लोग हैं, कौन किस विचारधारा के लोग हैं, कौन किस पार्टी से लोग हैं, फिर उस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जाइए बिस्कुट की फैक्ट्री जी ब्लॉक से शुरू होती है और ई ब्लॉक एच ब्लॉक में भी कुछ है, इसी तरीके से आप जाइए ए ब्लॉक में, उनसे खुद आप पता करिए। अगर मैं बोलूँगा हो सकता है आपको ये लगे कि हम कांग्रेस पार्टी से इसलिए हम आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप चले जाइए एकता विहार, अर्पण विहार, ज्ञान मंदिर, वहाँ पे कुछ जो गरीब व्यक्ति थे अपने रोजगार के लिए फैक्ट्री डाले हुए हैं उनका चालान काटा गया, किसी का 20,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 25,000 का, इससे पहले आज़ादी से अब तक कोई चालान उनका नहीं काटा गया। आखिर ऐसी कौन सी पावर आ गई उनके पास, आखिर उनके पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि जो मतलब अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए मतलब आप उनके पास खुद जाइए, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो तुष्टिकरण या उसको परेशान किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये। और पार्षद महोदय या एमएलए महोदय या फिर जो भी इस वक्त सत्ता में है वो कहीं ना कहीं उसका अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के सामने हम कहते हैं आपकी लड़ाई कहीं भी लड़ना हो, किसी भी हद तक जाना हो, जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी मतलब किसी की भी आवाज़ हो, चाहे मणिपुर की आवाज़ हो, चाहे हरियाणा की आवाज़ हो, चाहे वो देश के किसी भी स्टेट की आवाज़ हो, मोहब्बत की दुकान खोली जा रही, उसी तरीके से हम घर घर जाएंगे, राहुल गांधी जी के मैसेज बताएंगे और उनके सामने खड़े होंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, हम बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से आपके साथ खड़े हैं और आपका काम हम करवाएंगे। एक सवाल और पूछ लो, यहाँ पर वार्ड में चोरी चकारी की बहुत घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने इससे पहले कुछ देर पहले रोशनी डाली बाढ़ को लेकर, देखिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है, उसने हाथ उठा दिया है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम और हमारी टीम और जैतपुर के लोग और NGOs ना होती मेरे ख्याल से कई सारी लाशें यहाँ से जा चुकी होती, कई सारी माओं की गोदी सूनी हो चुकी होती, लेकिन मैं जैतपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ, किस तरीके से उन्होंने अपने दिल को आगे बढ़ाया और उस चीज़ को लोगों के लिए खाना खिलाया, लोगों को पानी पिलाया, लोगों में किसी के पास पंडाल नहीं था पंडाल दिया, और जो भी इस तरीके बहुत सारी चोरी की घटनाएं जैसे कि आपने हमसे कहा उसके लिए हम लोग उनके साथ 2-4 दिन रहे कि आपके यहाँ कोई चोरी ना हो, हम लोगों ने अपने लोगों को लगाया कि देखिए जो 4 घंटे आप लगाइए 4 घंटे हम लगाएं, तो अपने लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई उनको ताकि उनके कोई आर्थिक मदद हो सके या उनकी कोई ऐसे भी कोई मदद हो सके। 10,000 की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है, जी जी, क्या लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है? देखिए, जब तकरीबन 10-15 दिन पहले यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ लोग आए भी हुए थे, DM साहब, SDM साहब की तरफ से, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से हो सकता है कि 100 लोग उस कॉलोनी में तकरीबन 7,500 लोग हैं,
जिनमें 700-500 घर हैं वहाँ पर, 7500 वोट है और 700-500 उनका वहाँ मकानात हैं वहाँ पर, उनमें से मेरे ख्याल से 2-3% लोगों को मिला होगा और दूसरे लोगों को नहीं मिला होगा। सर आपको नहीं लगता कि 10% की रकम बहुत कम है, क्योंकि लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ है? और अरविंद केजरीवाल जी ने ही 2015 में ऐलान किया था कि आपदा में जो जो परिवार प्रभावित रहेंगे उनको कम से कम नहीं तो 25,000 रुपये की मदद मिलनी चाहिए। देखिए इससे पहले हम आपको ये बता दें, इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था जिस किसी भी शख्स का आपदा में, किसी भी आपदा में, चाहे वो किसी का किसी आग लग जाती है, बाढ़ आ जाता है या फिर इस तरह की और कोई दिक्कत हो जाती है, इंदिरा गांधी जी ने उसी वक्त बता दिया था कि आप लोगों को उनका पूरा खर्च उठाना है। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल साहब अपनी बात मान लें, अपनी बात को मुकरते हुए इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था उसको मान लेते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर आप उनकी किसी भी चीज़ के ताल्लुक से देखिएगा, आप अगर 1,000 का कोई चीज़ का बजट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 100-150 रुपए ही लगेगा वहाँ पर सिस्टम में, और सब एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा। तो उनकी बात ही मत करिए, उनको हम मतलब ये कहीं एडवर्टाइजमेंट सिर्फ करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर हैं लोग।